राइट बेटा, तुम परेशान मत हो, जैसे ही सारा का गुस्सा उतरेगा ना मैं बात करूंगी उससे। अरे रहने दे, जब एक बात खत्म हो रही है तो फिर होने दे। क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो? सारा की आंखों में जो मैंने मोहब्बत देखी है वो ये रिश्ता नहीं खत्म होने देगी, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम दोनों की शादी कर दूंगी। देखिए मॉम, मैं थक गया हूं रिश्तों से लड़ते लड़ते, मैं सोच रहा हूँ मैं अमेरिका चला जाऊंगा। खबरदार खबरदार, अगर तुमने कहीं जाने की बात की तो मैं जाऊंगी सारा के घर, उन लोगों को सुहेल का डर समझाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो तो मापारा को भुगत ही चुके हैं पहले। ये सुहेल भाई कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं हो गए? मापारा का नाम ले लेकर सबको तकलीफ दे रहे। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता राहित, सिर्फ अपनी कोताहियां दोहराने से डरता हूं। राइट, अगर तुम्हें अपनी कोताही का इतना एहसास होता ना तो तुम अब तक सारा से माफी मांग चुके होते। मुझे एहसास है अपनी गलती का, इसीलिए उसे मनाने जा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मनाने से मान जाएगी वो? मेरे कहने से तो हर कोई मान जाता है सिवाय एक के, और वो एक यकीनन तुम्हारी बीवी ही होगी। उसे भी आप ही लेकर आई हैं और आप ही के कहने पर अभी तक निभा रहा हूं। प्लीज सुहेल, बस कर दो, अब माफ कर दो महापारा को, पीछा छोड़ दो उसका। तुम उसकी नफरत में अपनी अपनी फैमिली का सुकून खो दोगे। मैं महापारा से नफरत? हाँ, तुम उसकी नफरत में जो वक्त बर्बाद कर रहे हो ना, बेहतर यह है कि वो वक्त अपनी बेटी की मोहब्बत में गुजारो। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे वक्त की सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी बेटी है, हमारी फरी। मुझे वो चाहिए। खुदा के कहर से डरो सुहेल, अगर अल्लाह ने तुमको बहन बेटी नहीं दी, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत तो ना उछालो। आप सच कह रहे हैं? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सकलाइन साहब ने खुद सबको ईमेल करके बताया और तुम्हें ज्वाइन करने के लिए कहा है। तुमने ईमेल चेक नहीं की? नहीं, अभी चेक करती हूँ। लेकिन ये हुआ कैसे? अरे सीधी सी बात है, सकलाइन साहब को मैंने सारी सिचुएशन बता दी थी, वो खुद भी इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि अगर किसी ने रिश्वत लेनी हो तो ऑफिस में नहीं मंगवाएगा बल्कि घर पे मंगवाएगा। ये बात शायद कुरैशी की समझ में भी आ गई है। वाकई आप सच कह रहे हैं? मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकती हो, इसीलिए तो तुम्हारी गाड़ी मैंने ड्राइवर के हाथ भिजवाई थी। ये बात तो तुम्हें उसी वक्त समझ में आ जानी चाहिए थी। खैर तुम ज्वाइन कर सकती हो,
मगर शायद साहब की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरी इज्जत की जो धज्जियां उड़ी हैं उसका क्या? उसकी तुम फिक्र ना करो। क्या मतलब? जितनी शोहरत तुम्हारे अरेस्ट होने पर हुई थी ना, उससे ज्यादा धूम तुम्हारी बेगुनाही की होगी। वो कैसे? कैसे, कब, क्यों, ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। तुम काम पर ध्यान दो और मोहतात रहो। सारा, मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह समझता हूँ। उस दिन मैं जिस स्टेट ऑफ माइंड में था तुम सोच भी नहीं सकती। मामा ठीक कहती हैं, आप दोनों भाइयों की आदत है दूसरों की बेइज्जती करकर माफी मांगना। देखो, इसके और तुम्हारे दरमियान नाराजगी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बहन की तरह समझता हूँ और तुम जैसी बहन को नाराज करने या बेइज्जत करने का मैं सोच भी नहीं सकता, इसीलिए अपने किए की माफी मांगने खुद आया हूँ। अब मेरे माफ करने का कोई फायदा नहीं होगा। मामा, आप लोगों के घर सामान भिजवाने वाली। अगर क्यों? मेरी वजह से? अरे मेरा तो दिमाग खराब हो गया था उस दिन। ठीक है, तो अब मेरा दिल भी खराब हो गया और मेरे पास आपको माफ करने के लिए कोई वजह नहीं। अगर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगूं फिर भी नहीं। सुहेल भाई, क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हैं? चले ना आप मेरे साथ। एक मिनट, मैं इससे तुम्हारी वजह से, अपनी वजह से माफी मांगूं। अगर अपनी वजह से मना रहे हैं तो फिर मुझे वजह बताएं। एक सेकंड, अगर तुम वजह जानना चाहती हो तो मैं बताता। राहिब, मेरी बात सुन। सुहेल भाई ने जो कुछ भी किया ना, वो महापारा की वजह से किया, महापारा की हरकतों की वजह से। महापारा की वजह से मेरे साथ ये सब? क्योंकि उस दिन जब तुम आई थी, तुमने जिस तरह की ड्रेसिंग की थी ना, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे महापारा करती थी। तो सुहेल भाई को उस वक्त ये लगा कि वो तुम नहीं, वो महापारा है और वो फरी को छीन लेने के लिए। परी को छीनने? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? परी को छीनना कोई मजाक तो नहीं है। देखो सारा, जो लड़की हमारे घर का सुकून और हमारी इज्जत छीनने की कोशिश कर सकती है ना, वो क्या नहीं कर सकती। हमने उसे पलकों पर बिठा कर रखा था, लेकिन फिर उसकी करप्शन की न्यूज और रातों रात थाने से उसका गायब हो जाना, हम सब हिल गए। वो आपकी सगी बहन नहीं थी सुहेल भाई, आप उसके लिए इतना परेशान मत हो। वो तो वाकई सगी बहन नहीं थी,
लेकिन तुम्हें मैं दिल से बहन मानता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम और रायद हमेशा खुश रहो। अब अगर तुम चाहो तो मेरे किए की सजा भी मुझे दे सकती हो, मुझे कबूल है। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। डिनर पे चल। क्या पहले से पता था कि मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी और सबको मेरी सच्चाई पर यकीन आ जाएगा? इसका मतलब तुम्हारी नौकरी बहाल हो गई। देखा मेरे रब को कितना मेहरबान, उसने हमें दोबारा दरबदर होने से बचा लिया। दादी प्लीज आज तो ये बातें मत करें। सही कह रही हो, आज तो खुशी का दिन है भाई, खुशी की बातें होंगी सारी। बिल्कुल दादी, असूलन आज तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए। आप केक लेंगे? तो प्लेटें और चमचे तो ले आओ। मैं ले आती हूँ। देखो आज इसकी सालगिरह है और इसको याद भी नहीं है। तो बताने की जरूरत भी नहीं है दादी। तो मैंने तो केक मंगवा लिया। दरअसल दादी मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया हुआ। तो अब इसका क्या करूं? दादी हम उसकी आजादी और रीजॉइनिंग की सेलिब्रेशन तो कर सकते हैं। हाँ वैसे ये बात तो सही है, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दोबारा इसकी नौकरी बहाल हो जाएगी। क्यों उम्मीद नहीं थी भाई? अरे बेटा वो बहुत ताकतवर लोग हैं ना। दादी अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। ये तो सही कहा तुमने, अल्लाह ने तुमको फरिश्ता बनाकर भेजा है हमारे लिए। दादी मुझे फरिश्ता कहकर मेरी उम्मीद ना तोड़ा। ये क्या बात हुई भला? क्योंकि फरिश्तों की ख्वाहिशात नहीं होती और मेरी है। तो ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो फरिश्ता बनने से भी ज्यादा अहम है? ख्वाहिश तो पहले थी, अब तो जरूरत लगने लगी है। और ऐसी जरूरत जिसके बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। बस मेरी तो अल्लाह से यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। सोच लें दादी। क्या सोचना है? चम्मच खाऊंगा कैसे? सॉरी दादी, ये सलमा कहाँ चली गई? आप पकड़े, मैं ले आती हूँ। हटो यहाँ से। अरे सोहेल क्या कर रहे हो ये तुम? किसने आने दिया इसे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उठो सारा, उठो। खबरदार सुहेल, खबरदार, खबरदार जो मेरी खबरदार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
पागल हो, तुम सब पागल हो। All just mad. चलो सारा, get out of this madhouse. सुहेल, क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? दुर्दाना? क्या कर रही हूँ? खुली फिजा में सांस लेने आई हूँ। अंदर घुटन हो रही थी मुझे। और फरी? फरी कहाँ है? उसके पास कौन है? इतने गुनाह करते क्यों? जो बार बार सामने आके डराते हैं आपको। सारे गुनाह मैंने ही किए ना। तुमने तो दुनिया में नेकियों के दरख्त लगाए और वो फल दे रहे हैं। मैंने जो कुछ भी किया अपना घर बचाने के लिए किया, लेकिन आपके पास क्या रीजन है? आपकी बदनजरी? नहीं, वो रीजन हो तुम। सुहेल बेटा, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। तुम ठीक कह रहे थे, तुम सबको मना सकते हो। रायद और सारा आज डिनर पर जा रहे हैं। महापारा के नखरे उठाते उठाते इन्हें आदत जो पड़ गई है। जो अच्छाइयां मेरे बेटे ने उस एहसान फरामोश के साथ की है ना, अल्लाह ताला इसकी औलाद को उसका अजर देंगे। हमारी फरी के भी लोग ऐसे ही नखरे उठाएंगे। मेरी बेटी कोई बिन माँ की नहीं है जो दूसरों से नखरे उठवाने के लिए करेले के बेल की तरह हर शाख से लिपट जाए और दूसरों की जिंदगी में कड़वाहट भर दे। अल्लाह ना करे कि हमारी फरी कुछ ऐसा वैसा करे। उसका पूरा खानदान है। मैं बैठी हूँ, मैं अपनी बच्ची को दुनिया की ऊंच नीच समझाऊंगी? आप सिखाएंगी, जैसे अपने बेटे और इस बेटी जैसी की तरबियत आपने की। उसको देखने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि अपनी बेटी की तरबियत मैं खुद करूंगी। और उसमें किसी को भी बोलने का हक नहीं दूंगी। दादी, आपने ठीक से सुना था ना, सलार ने रेस्टोरेंट का ही नाम लिया था। अरे हाँ भाई, जब तुम प्लेटें लेने गई थी ना तो उसने कहा था कि होटल में है और बॉस ने मीटिंग रख ली है, जल्दी पहुंचना। अच्छा ये लो। जी क्या है? पहनना है इसे। दादी मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, किसी पार्टी में थोड़ी जो ये इयररिंग्स पहन लूं। अरे तू होटल में जा रही हो ना, वहां तो सब ऐसे ही तैयार होकर आते। दादी अच्छा पहन। अच्छा ठीक है, अल्लाह अल्लाह। Thank you.
आपने मीटिंग के लिए ये वाली जगह ही चूज क्यों की है? क्योंकि ये जगह बहुत पीसफुल है and I like it. लेकिन सेटअप देखकर तो ये लग रहा है कि किसी की बर्थडे है. हाँ, बर्थडे तो है. आप जानते हैं कि किसकी है? बिल्कुल जानते, इसीलिए तो अरेंजमेंट किया है. हैप्पी बर्थडे. कहीं और नहीं जा सकते क्या? क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? आई मीन रिजर्वेशन कराई हुई है. नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चलो ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट, चलते हैं. हेलो यार, मैं तो तुम्हें बहुत इनोसेंट समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत स्मार्ट निकली. स्मार्ट नहीं, करा. करप्ट लोगों में तो तुम फंस गई हो सारा. रेड हैंडेड तो तुम पकड़ी गई हो. ये दुनिया देख चुकी है. मुझे रेड हैंडेड पकड़वाया किसने था? किसने पकड़वाया था? जिस तरह इसके हमदर्दों की कमी नहीं है, बिल्कुल उसी तरह दुश्मनों की भी कमी नहीं है. से आपने बात गलत नहीं, लेकिन अंदाज बहुत ही गलत. मैं तुमसे बात नहीं कर रहा. इससे भी कर रहे हो, तमीज से. इससे जो अपनी ढाल बनाने के लिए हर बार कोई नया मर्द ढूंढ लेती है, किसी औरत के पल्लू में छुपने से तो बेहतर है. एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज. मैं इनकी मंगेतर हूँ. जानता हूँ, अपनी वालदा साहिबा से जाके पूछिएगा कि मैं इनका क्या लगता हूँ.
अरे तुम जल्दी आ गई आज? दादी तो कह रही थी तुम देर से आओगी। खैर तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत तो इन आंसुओं की भी नहीं है। फिर बर्दाश्त की हद खत्म हो गई अस्मा, लेकिन उनके बहुतान है कि खत्म ही नहीं होते। उन्हें पता नहीं है ना कि अगर उनका एक भी इल्जाम सच हो गया तो उनके घर की बुनियादें हिल सकती हैं। सोचो अगर तुम सुहेल भाई से इंतकामन दोस्ती कर लो तो? नहीं बेटा, हमें किसी से कोई इंतकाम नहीं लेना। बस हम तो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सुकून से गुजरे। मैं तो बस एक बात कह रही थी दादी, उनसे लड़ने का अंजाम तो हम सब देख ही चुके हैं। औकात किसी का अंजाम किसी दूसरे की बर्बादी का आगाज होता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम खाना खाओ, मैं आती हूँ। दादी आप खाना लगा। अब तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी आओ खाने के लिए। सलमा खाना लगा लो। नहीं नहीं छोटी सी तकरीब है, ये मेन्यू बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, हाँ हर चीज टाइम पे होनी चाहिए, कोई चीज लेट ना हो। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर लें। ओके थैंक यू। अरे तुम तो सारा के साथ डिनर पे गए थे ना, फिर कोई झगड़ा हो गया क्या? इतनी जल्दी क्यों आ गए? मुझे समझ नहीं आता कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। इतनी बदनामी के बाद लोगों का सामना करने की हिम्मत कहां से आती है उसमें? तो मां बारा की बात कर रहे हैं। आपको पता है वो सारा को ये जताने की कोशिश करी थी कि उसके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमने प्लान किया है। अच्छा कहां मिली वो तुम्हें? रेस्टोरेंट में मिली थी। कौन से रेस्टोरेंट में? आपको पता अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो वो इतनी बदनामी के बाद सुसाइड कमिट कर लेता। लेकिन वो पता वो क्या कर रही थी? वो वहां पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी? हैप्पी बर्थडे। किसके साथ? उसी के साथ जिसने उसे छुड़वाया था। Are you sure? वो वही था। Yes, I'm sure, क्योंकि मैंने उस रात उसे देखा था जब वो महापारा को लेने आया था। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा यार। अगर कोई उसे एक रात में छुड़वा सकता है तो वापस जॉब पर भी बहाल करवा सकता है। और उसके जॉब पर आने का मतलब सुहेल से सामना। अच्छा जरूरी नहीं समझा। अच्छा अब ये कौन नया रकीब है जो हम दोनों के बीच आ गया है? बेटा आपकी मामा ने मुझे बताया कि उन लोगों ने
मैं आपकी मामा की एक फोन कॉल पे दुबई से कॉन्फ्रेंस छोड़कर आया और आप उन्हीं के साथ घूम रही हैं बेटा, क्यों? डैड वो एक्चुअली वो लोग घर आए थे, उन्होंने अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन की थी। किसी पे हाथ उठाने की एक्सप्लेनेशन नहीं होती सारा। मामा वो उस वक्त अपनी सेंसेस में नहीं थे। क्यों, नशे में थे या पागल हो गए थे? मामा प्लीज एक मिनट। अच्छा आप बताइए बेटा कि आप क्या चाहती हैं? डैड सोहेल भाई ने हमेशा मेरे साथ बहनों वाला सलूक किया, तो एटलीस्ट मैं उन्हें एक मौका और तो दे सकती हूँ ना? नो प्लीज लेट हर फिनिश फर्स्ट। जी बेटा कैरी ऑन। डैड मैं रायत के साथ कंफर्टेबल हूँ। आप उनके साथ कंफर्टेबल कैसे हो सकती हैं? हर वक्त मिस्ट्रीट करते हैं वो आपको, हर बार आप हर्ट होती हैं। क्या हो गया आपको? अगर ये उन्हें एक मौका देना चाहती हैं, तो इनके फैसले को हमें अहमियत देनी चाहिए। बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है और उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले करने दें, ज्यादा अच्छा होगा। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा और ये बात राहिद को अच्छी तरह बता दीजिएगा। रफ लोगों में तो तुम फंस गई हो सारा, रेड हैंडेड तो तुम पकड़ी गई हो। पूरी दुनिया देख चुकी है। जिस तरह इसके हमदर्दों की कमी नहीं है, बिल्कुल उसी तरह दुश्मनों की भी कमी नहीं है। वैसे आपने बात गलत नहीं की, लेकिन अंदाज बहुत ही गलत है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। इससे भी कर रहे हो, तमीज से। इससे जो अपनी ढाल बनाने के लिए हर बार कोई नया मर्द ढूंढ लेती है। किसी औरत के पल्लू में छुपने से तो बेहतर है। Excuse me, mind your language. मैं इनकी मंगेतर हूं। जानता हूं, अपनी वालदा साहिबा से जाके पूछिएगा कि मैं इनका क्या लगता हूं। और कमजोर के साथ जबरदस्ती करने को आप बहादुरी कहते हैं? कमजोर नहीं, जिद्दी। और इस बार मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, बल्कि तुम्हें खुद मेरे पास आना पड़ेगा अपना सर झुकाकर।
इस बार तुम्हारा इंतजार मैं करूंगा। जिंदगी प्यारी है तो मेरे पास आ जाओ मां पारा, वरना